नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पावर हब, मैं हूं नवी। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल के कीबोर्ड में अपनी फोटो लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कीबोर्ड में फोटो या उसका कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको कहीं भी किसी भी ऐप में जाके अपना कीबोर्ड ओपन कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे जाके कीबोर्ड ओपन कर देता हूँ, तो इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और आपको फिर नीचे दिए हुए ग्लोब के आइकन क्लिक कर देना है। ग्लोब के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखता है कीबोर्ड। इसके बाद आपको यहाँ पे दिए हुए जी पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पे चले जाना है। सेटिंग में ऑप्शन पर जो तीसरे नंबर पर आपको थीम दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। थीम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कई सारी चीज़ें दिख जाती है। जैसे यहाँ पे कस्टम थीम ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे रिसेंटली यूज़ जो आपने कीबोर्ड में अभी यूज़ किया है कुछ देर पहले। और इसके बाद एक कलर दिख जाता है, आप कीबोर्ड का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप कई चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। तो हमें सिंपली कर देना है कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको कोई भी थीम जो है वो सिलेक्ट कर देनी है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ, यही सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपका कुछ इस तरह दिखेगा कीबोर्ड। अगर आप यहाँ से उसकी ब्राइटनेस एडजस्ट करना चाहते हो तो ठीक है, वरना आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद आपको डन क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे सही का निशान दिखा देता है। तो इस तरह आपकी थीम सेव हो जाती है। तो इस तरह अब हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो ये रही थीम, पीछे से क्लियर नहीं दिख रही, यहाँ पे कुछ दिख रहा है फोर्ब्स एंटरप्रेन्योर्स इंक। तो ये थी वो थीम पीछे से। इसके अलावा आप कलर भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आप ग्लोब पे क्लिक करोगे फिर से तो ये कीबोर्ड बड़ा हो जाता है, इसमें वो थीम नहीं दिखती है, वो सिर्फ छोटे कीबोर्ड में दिखती है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो।